आपके सामने हाथ जोड़ती। इतनी तकलीफ हो रही है तो अपने बेटे को लेकर निकल जाना घर से, फिर मेरा मुंह नहीं देखना पड़ेगा, रह लूंगा मैं अकेला। क्या हुआ? तो भाग क्यों रहे हो? मैं ठीक होकर वापस आऊंगा भोला, और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा इंतजार करो। ये पूरे दिन ये पीड़ा समाप्त हो जाएगी, तुम्हारी भी और उन लोगों की भी। तुम बस श्रद्धा और सबूरी रखो। साई बाबा, अब हमें आज्ञा दीजिए। इतने दिन आपके साथ बिताकर हम धन्य हो गए, लेकिन अब हमें प्रस्थान करना होगा। कहाँ जाएंगे यहाँ से? चितली। जरा इंतजार करो, मैं अभी आया। अरे मैं तो भूल ही गई, ये लो जोवार लाई हूं भाकरी के लिए। जब तक काशीनाथ वापस आकर अपना काम नहीं शुरू कर देता, तब तक इससे काम चल जाएगा। भाई साहब, आपकी आप ना होती तो मैं अब तक टूट चुकी होती। ये मेरी नहीं, साई की कृपा है रेनू। श्यामा, बाला साहेब और रामदासी जी आज अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मैं चाहता हूं तुम भी इनके साथ जाओ। साई, हमारे साथ क्यों? हम चले जाएंगे, इन्हें कष्ट देने की आवश्यकता नहीं। आप मेरे अतिथि हैं और मेरा फर्ज बनता है आपको आपके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाना। जाओगे ना श्यामा? जरूर साई, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। मन में साई के क्या है, कौन जान पाए। वाह, रंभा के हाथ का नींबू शरबत पीकर ताजगी आ जाती है। हाँ, हमारी रंभा के हाथ में तो जादू है, स्वाद का जादू। बिल्कुल। नमस्कार पाटिल साहेब। आइए आइए बल्लाल बाबू, आइए। आओ मोरेश्वर। अच्छा हुआ मालसापति जी आप भी यहीं मिल गए। न्योता देने निकला था खंडे नवमी की पूजा का, आप सबको सपरिवार आना है। हाँ जरूर जरूर, इस बार भी बाबा ने पूजा का दायित्व मुझे ही सौंपा है। बल्लाड़ भाऊ, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। तात्या बता रहा था द्वारका माई में रहकर काशीनाथ में काफी सुधार आ गया है। उसे शराब पिलाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया, काफी दिनों से उसने पी नहीं है। आपसे एक बात कहूं, मोरेश्वर तो हर साल पूजा करता है, इस बार काशीनाथ को पूजा का दायित्व सौंपने का समय आ गया है। इससे उसे प्रोत्साहन मिलेगा,
संबल मिलेगा। पूजा और काशीनाथ, ये आप क्या कह रही हैं भाई जगह की? आप क्या सोचने लगे बाबा? आपको क्या लगता है काशीनाथ सुधर सकता है? इन दिनों वो द्वारका माई में है, इसलिए साईं का लिहाज करके उसने कुछ दिन शराब नहीं पी होगी। लेकिन कब तक रहेगा वो वहां? साईं से दूर होते ही फिर से शुरू कर देगा। काशीनाथ तुम्हारा छोटा भाई है, उससे इतनी नफरत अच्छी नहीं। बल्लार भाव, वो भी आपका बेटा है, सुधरने की कोशिश कर रहा है वो, उस पर थोड़ा तो भरोसा कीजिए। मोरेश्वर गलत नहीं कह रहा है, लेकिन हाँ वो कोशिश कर रहा है, इसलिए उसे खंडनवमी की पूजा में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रित किया जा सकता है। बाकी अगले साल देखते हैं। चलते हैं। काशीनाथ, आज तुम ना होते तो इतना अच्छा कीड़ा ना बन पाता। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें इमारतें बनाने का शौक है, काफी अभ्यास भी है तुम्हें। आपने सही पहचाना साई, मुझे बचपन से इस तरह के किले, इमारतें, आकृतियां बनाने का शौक रहा है। बचपन में हर दिवाली घर के आंगन में ऐसे ही किले बनाया करते थे। बाबा बहुत खुश होते थे और उसी किले में लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर उसकी पूजा करते थे। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया, बाबा को लगने लगा कि मैं इसी मिट्टी पत्थर से खेलता रहता हूँ। वो उम्मीद खोने लगे कि मैं जीवन में और भी कुछ कर पाऊंगा। जिस हुनर को बाबा मेरे बचपन में पसंद करते थे, बीतते समय के साथ उस हुनर से उन्हें चिढ़ होने लगी। नालायक, बाबा सारा आंगन गंदा कर दिया। और बाबा मैं तो इमारत बना। पढ़ाई लिखाई से नाता नहीं, जब देखो तब मिट्टी में सना रहता है। अपने दादा को देख, हमेशा की तरह इस बार भी कक्षा में अव्वल आया है, और तू क्या करता है? तू जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरी रुचि पढ़ाई में घटने लगी और मिट्टी गारे पत्थर में बढ़ती गई। बोलचाल में भी दादा के मुकाबले कमतर ही था। धीरे धीरे नालायक का थप्पा लग गया मेरे माथे पर। इस नाकामी का दाग मैं आज तक नहीं मिटा पाया। प्रणाम साईं। प्रणाम साईं। राम जी भला करें।
बलाल जी, अभी काशी बता रहा था कि कैसे वो हर साल दिवाली में किला बनाया करता था और आप उसमें लक्ष्मी पूजा करते थे। वो साई, हम आपको खंडे नवमी पूजा का न्योता देने आए हैं, और तुम्हें भी काशी। दे रहा हूं, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम शराब पी के आ जाओ, और अगर पी के आए तो मंदिर में घुसने नहीं दूंगा। जय मल्हार। माफ कीजिएगा साईं, बाप हूं इसका, मुझे भी अपनी इज्जत की चिंता है, इसलिए पूछ रहा हूं। आपने जिम्मा तो उठाया इसे सुधारने का, इसमें कोई सुधार आया भी है या अब भी नालायक का नालायक ही है? लायक नालायक तो नजरिया है भल्लाल जी, मैं इंसान को ऐसे नहीं परखता हूं। इसकी जो भी दशा है, मेरे लिए वो किसी गहरी उलझन का लक्षण है। जिस दिन वो उलझन सुलझ गई, काशी को नशे का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं रहेगी। उस दिन इसे जीवन की दिशा साफ नजर आने लगेगी। नहीं, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? मतलब इस पे इतनी मेहरबानी? मैं अगर इसकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? आप लोग करेंगे? अगर की होती तो ये इस अवस्था में नहीं पहुंचता। अब अगर मैंने भी इसे जाने दिया तो ये बिल्कुल अकेला हो जाएगा। ऐसे में नशे को ही सहारा बना लेगा। साईं, आप ये क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि इसका बिगड़ना मेरी गलती है? बल्लाल जी, अगर आपको लगता कि आप गलती कर रहे हैं तो क्या आप करते? मनुष्य जो भी करता है इसीलिए करता है क्योंकि उस क्षण उसे वही सही लगता है। कोई भी गलत होना नहीं चाहता है, कोई भी गलत करना नहीं चाहता है, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखें तो समझ आता है कि क्या सही किया है और क्या नहीं। अब आज्ञा दीजिए साईं, और भी लोगों को निमंत्रण देना है। प्रणाम सर। पिता ही नहीं, परम पिता खंडोबाजी में मुझे अपनी पूजा के लायक नहीं समझते। लगता है इस साल भी मेरी किस्मत में उनकी पूजा नहीं,
माधव जी, रात बहुत हो गई थी इसलिए मैंने सोचा आज की रात यही रुकना सही होगा। वैसे कल हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद आप वापस शिरडी लौट जाइएगा। माफ करना माधव जी, हमारे कारण आपको इतना कष्ट हुआ। आप बेवजह तकल्लुफ कर रहे हैं। साई की आज्ञा के आगे मेरे लिए कुछ नहीं है और उनके आदेश से सबका भला ही होता है। और देखिए, सफर के बहाने रामदासी जी से ढेरों पौराणिक कहानियां सुनने को मिली मुझे। चिखली का सफर दुर्गम नहीं है, आपने अभी तक देखा हमारा सफर आराम से कट गया और उम्मीद है कल का भी सफर आराम से कट जाएगा। ऐसा कोई लक्षण मुझे नहीं दिखा जिससे ये पता चले कि आपको हमारे साथ भेजने का कोई प्रयोजन हो साई का। क्या ये बस अतिथि सत्कार था या इसके पीछे कोई कारण है? साई की लीला साई ही जाने। अभी एक रात शेष है, सफर खत्म होते होते वो कारण भी हमें दिखाई दे जाएगा। फिलहाल सोचना बंद कीजिए और विश्राम कीजिए। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम।
बैठो श्यामा, तुम्हें जिम्मेदारी सौंपी है, देखो तुम्हारी किसी को जरूरत है। क्या हुआ? सांप आया था। अब चिंता की कोई बात नहीं है, सांप को मैंने बाहर फेंक दिया, अब वो दोबारा नहीं आ सकता। धन्यवाद माधव जी, अगर आज आप नहीं होते तो शायद मैं नहीं बचता। वही बात है। माधव, क्या साई बाबा ने तुम्हें इसके लिए चेतावनी दी थी? जी, आपको कैसे पता? ये देखिए, सोने से पहले मैं सोच रहा था कि शिरडी से प्रस्थान करते समय साई बाबा से मुझे थोड़ी उदी ले लेनी चाहिए थी, और ये देखो साई की लीला। साई को पता होता है कि उनके भक्तों को किस चीज की जरूरत है, उनकी शरण में जो रहता है उसका हमेशा ख्याल रखते हैं मेरे साई। जैसे उन्होंने मुझे आपके संग भेजा ताकि मैं आपके साथ होने वाली घटनाओं को रोक सकूं। ये क्या कर रहे हो तुम? अपने पैर बांध रहा हूं साई, शाम होते शराब पीने की बड़ी तलब होती है, इसलिए मैंने सोचा खुद को बांध लूं। रात हो गई, आपके सोने के बाद अगर मैं खुद को नहीं रोक पाया या भागने की कोशिश करूं
तो आपको पता लग जाएगा, फिर आप मुझे रोक सकते हैं। हाँ। कुछ गलतियां की हैं, हर इंसान से होती हैं, लेकिन उन गलतियों को सुधारने के लिए वो किस हद तक जाता है, इंसान का चरित्र इससे परिभाषित होता है। सर, मैं दिल से कह रहा हूं, मैं पीना नहीं चाहता, मुझे नहीं पीनी है, बस मुझे इस बुरी आदत से निजात दिलवा दीजिए, मुझे इस लत से छुटकारा दिला दीजिए। तुम्हें छुटकारा जरूर मिलेगा काशी। जानते हो ये विश्वास मुझे क्यों है? क्योंकि तुमने मन में ठान लिया है कि तुम्हें मुक्त होना है। जब इंसान ठान ले तब नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। अब रात बहुत हो चुकी है, सोने की कोशिश करो। जानू कौन है तू, राम है या रहीम है तू, मेरे लिए तो एक है तू, एक भी तू, अनेक भी तू, एक भी तू, अनेक भी तू, एक भी तू। रात है अज्ञान की तो सवेरा भी आएगा, उजली सी ज्ञान की जो रोशनी भी लाएगा। श्रद्धा से तुम बैठ जाना सबूरी के नाव में, सो जा मेरे ममता के छाँव में।
कहा था ना, ध्यान बटाना बहुत जरूरी है, और ये तभी मुमकिन है जब इंसान को उसका पसंदीदा काम मिल जाए। वो उस काम में इतना लीन हो जाता है कि उसे अपना दुख दर्द याद ही नहीं रहता। मैं तुम्हारे लिए मार्ड लाई हूँ, ले पी ले थोड़ा। साईं, लंबे समय बाद आपने भजन संध्या का आयोजन किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर जल्दी से जल्दी तुम लोगों ने काशीनाथ को मद्यपान नहीं करवाया तो मैं तुम लोगों को विषपान करा दूंगा। बाबा, बाबा, बाबा। जिस तरह तुम इस मिट्टी से इतने खूबसूरत घर बना लेते हो, उससे ये समझ आता है कि तुम इस मिट्टी को कितना चाहते हो, इसे बहुत अच्छे से समझते हो। साई, मिट्टी तो है जिसने कभी मुझसे घृणा नहीं की, ये मिट्टी और आप दोनों का इसलिए मैं इतना सम्मान करता हूं, आप दोनों से इतना प्यार करता हूं। अगर तुम मिट्टी से प्यार करते हो तो तुम दुनिया की सबसे ताकतवर चीज से प्यार करते हो। इस प्यार को सही आकार देने की जरूरत है। एक बार वो हो गया तो तुम्हारा प्यार तुम्हारा हुनर बनकर तुम्हारा नाम रोशन करेगा।
साई, क्या सच में ऐसा मुमकिन है? प्रणाम साई। राम जी भला करें। कैसे हैं अन्ना भाव? आपकी दया दृष्टि से सब कुशल मंगल है। काशीनाथ, ये अन्ना भाव जोशी हैं। शिरडी इनकी जन्मस्थली है। अभी कुछ दिन पहले ही ये यहां वापस रहने आए हैं। प्रणाम। काशीनाथ, तुम भल्लाल के बेटे हो ना? हाँ। बचपन में मैं तुम्हें मिट्टी के छोटे छोटे किले बनाते हुए देखा करता था। कमाल की कारीगरी है तुम्हारे हाथों में। सच में तुम प्रतिभा संपन्न इंसान हो। अच्छा साईं, चलता हूँ। मेरे बेटे की जल्दी शादी होने वाली है और शादी में तो आप जानते हैं सैकड़ों काम होते हैं। राम जी भला करें। काशीनाथ, तुम इसे पूरा करो, मैं अभी आता हूं। बिगड़ती जा रही है, आप इसे उदी दे दीजिए। मुझे यकीन है उसके सेवन से ये ठीक हो जाएगा। बाबा, बाबा। दे तो रहा हूं, लेकिन शायद ये भोला की मर्ज की दवा नहीं है। ऐसा कैसे साई? आपकी उदी से तो गंभीर से गंभीर रोगी भी ठीक हुए हैं। शारीरिक रोगी, लेकिन कुछ मानसिक रोगी भी होते हैं। बाबा, रोग भोला के दिमाग में है। उदी से इलाज अस्थाई समाधान है। ये तन का बुखार तो उतार देंगे, लेकिन जो बुखार मन पर चढ़ा है उसका क्या? वो जब तक रहेगा तबीयत बिगड़ती जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं साईं? मतलब मेरा भोला ठीक नहीं होगा? होगा, जरूर होगा, पर कुछ बीमारियां दवाइयों से नहीं, रिश्तों की गर्माहट से ठीक होती है। ये उसी तरह की बीमारी है। जब इसे वो गर्माहट मिल जाएगी ये ठीक हो जाएगा। राम जी भला करें। मामन जी, मामन जी, क्या हुआ बहू? मामन जी,
कुएं पर रेनू की पड़ोसन मिली थी, बता रही थी भोला की तबीयत बहुत खराब है। क्या क्या हुआ उसे? बुखार है कि उतरता ही नहीं, यहाँ तक कि साई ने भी हार मान ली, उनकी उदी से भी कोई फायदा नहीं हो रहा। मेरे पोते की ये हालत और मुझे अब तक कुछ पता नहीं। बाप बेटे के मनमुटाव में मेरे पोते की जिंदगी नरक बनती जा रही है। पवन जी, इसमें दोष आपका नहीं, भाव के पीने की लत का है, इसके चलते हमारे खानदान की बदनामी हो रही है। रेनू की पड़ोसन बता रही थी एक रात भाव ने शराब के नशे में बहुत हंगामा किया और बेचारे भोला ने सब देख लिया। अच्छा है, पता नहीं इस बात का उस पर क्या असर पड़ा हो और इसके बाद ही उसकी तबीयत खराब होने लगी हो। बाबा, बेटा, बहनी, इसे साई की उदी थोड़ी और देकर देखिए ना। हमने वो कोशिश भी कर ली, लेकिन उदी भी असर नहीं कर रही है। भाई साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। भाई साहब, क्यों साई भी नहीं इसे ठीक कर पाए? ऐसा क्या हुआ है मेरे बच्चे को? क्या ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके? भोला की सबसे बड़ी दवा तुम हो काशी, तुम्हें जाकर उसे मिलना चाहिए, तभी वो ठीक होगा। अभी जाते हैं, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ काशी। नहीं केशव, ये काशी का सफर है, इसे अकेले ही तय करना होगा। मुझे पता है आप सब मेरे साथ क्यों जाना चाहते हो, मैं जानता हूं आप सब लोगों को मेरी फिक्र है। आप सबने बहुत किया है मेरे लिए और आपको बहुत उम्मीद है मुझसे। मैं भरोसा नहीं तोड़ूंगा आपका। साई, रास्ते में शराब की भट्टी पड़ती, हो सकता है उसका जी मचले। क्या आपको लगता है काशीनाथ पूरी तरह सुधर चुका है? उसकी परीक्षा का समय आ चुका है, बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी है उसे और वो भी अकेले। अगर इन परीक्षाओं में वो सफल हो गया तो जीवन संवर जाएगा उसका। अगर वो कमजोर पड़ गया तो? केशव, अगर उसे कमजोर पड़ना ही है तो एक ना एक दिन पड़ ही जाएगा। हम हमेशा तो उसका पीछा नहीं कर सकते हैं ना, ये समझना जरूरी है कि मुक्ति अपनी इच्छाओं से मुंह मोड़ लेने में नहीं है। मुक्ति वो है जब बुराई आपके सामने हो और आप उसकी तरफ आकर्षित ना हो, क्योंकि आपको उसकी आवश्यकता ही नहीं, ना उससे डर लगे ना उससे मोह हो। विरक्ति का भाव होना चाहिए। ऐसी ही मुक्ति काशीनाथ का भी गंतव्य है। काशी, कहाँ जा रहा है तू? बाबा, भोला बहुत बीमार है, उसे देखने। क्या देखने जा रहा है तू? वो जिंदा है या मर गया? बाबा, तेरे कारण आज उसकी ये हालत हुई है, तुझे कोई अधिकार नहीं उसके पास जाने का। जब से भोला को उसके बाप की सच्चाई पता चली है, उसका दिल टूट गया है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। तेरे कारण बहू और भोला मुझसे कोई सहायता नहीं ले रहे हैं।
बोला ही क्या, हम सबकी जिंदगी पर लगा हुआ दाग है तू। हम तो बड़े हैं, खुद को समझा लेते हैं, लेकिन बेचारा भोला तो मासूम है। अपने बाप का घिनौना रूप देखकर उसे गहरा सदमा लगा है। बड़ी मुश्किल से बहू संभाल रही है भोला को, और तू फिर से अपनी मनहूस शक्ल लेकर उसके सामने जा रहा है। तुझे पता है समय की मांग क्या है? भोला को अपने पिता को भुलाकर एक नए सिरे से शुरुआत करने की जरूरत है। अब ये घड़ियाली आंसू मत बहा। अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है, थोड़ा सा भी एहसास है अपनी गलती का, तो हम सबके जीवन से दूर चला जा। बहू और भोला को मैं संभाल लूंगा, उसकी देखभाल मैं कर लूंगा। तुझसे शादी करा के उस बेचारी का जीवन बर्बाद किया है मैंने, उसका पश्चाताप ही कर लूं। जा बेशर्म, चला जा यहां से। बाबा, साई ने कहा है भोला को मेरी जरूरत है, बस एक बार भोला ठीक। तेरे जाने से ठीक होगा वो, मैंने कहा ना तू मर्ज है मर्ज, दवा होने की गलत फहमी निकाल दे। साई भले इंसान है, वो तेरी फितरत नहीं समझे इसलिए कह दिया। बेटा तो तू कभी अच्छा था ही नहीं, बाप भी अच्छा नहीं बन पाया। कम से कम उनकी जिंदगी से दूर जाकर उन्हें बख्श ही दे। संभव हो सकेगा तो मैं दूसरे गांव से वैद्य बुला लूंगा, लेकिन तू हमें माफ कर दे। परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है, उम्मीद है काशी इसमें उत्तीर्ण होगा। तू मर्द है मर्द, दवा होने की गलतफहमी निकाल दे। बेटा तो तू कभी अच्छा था ही नहीं, बाप भी अच्छा नहीं बन पाया। कम से कम उनकी जिंदगी से दूर जाकर उन्हें बख्श ही दे। दवा होने की गलतफहमी निकाल दे। मैं बेकार हूं, किसी काम का नहीं, किसी लायक नहीं, किसी को मेरी जरूरत नहीं। ये कब से अपने बाबा के रट लगा है? बाबा। हाँ बेटा। कम से कम हम इसके बाबा को बुला लेते हैं। आई। आई। मैं अभी भी बाजार से आ रहा था और मैंने काशीनाथ को शराब की भट्टी की तरफ जाते देखा। रो मत बेटे, आज नहीं तो कल काशीनाथ को उसके गलती का एहसास जरूर होगा। नहीं, मैंने कहा था कि मेरे पति कभी नहीं सुधरेंगे। साई ने इनको भोला की तबीयत के बारे में जरूर बताया होगा, और वो ऐसा कौन सा इंसान है
जो अपने बीमार बच्चे को छोड़कर शराब पीने जाता है। सुन रहा है तू भोला, जिस बाप के लिए तूने खुद की ये हालत की है, उस बाप को तेरे कोई फिक्र नहीं है। तू जिए या मरे, उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं है। आज भी उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर शराब को ही चुना है। नहीं रिनू, मैंने परिवार को चुना है। बोला बोला क्या हुआ बेटा? देख, तेरे बाबा ने तेरे लिए दूध खरीद कर लाया है। आँखें खोल बेटा। बाबा, बेटा मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने हमेशा तुझे तेरी भाई को दुख दिया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और कोशिश करूंगा कि तुझे कोई परेशानी ना हो, और तेरी सौगंध मैं शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बस तू एक बार ठीक हो जा बेटा, उसके बाद हम बहुत मजे करेंगे, साथ खेलेंगे, घूमने जाएंगे। बोला जल्द ही ठीक हो जाएगा काशी। तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है, इसकी दवा जो आ गई है। काशीनाथ, जो दूध तुम भोला के लिए लाए हो उसमें उदी मिलाकर इसे पिला दो। रेनू, उदी देना। आपने जानबूझकर किया ना, आप चाहते तो बोला को पहले ठीक कर सकते थे, लेकिन आपने मुझे से नालायक को अपने बेटे को ठीक करने का मौका दिया। नहीं काशी,
मैंने नहीं, जो किया वो तुमने किया। मैंने पहले भी रेनू से कहा था, उदी से भोला बाहरी तौर पर ठीक हो सकता था, लेकिन भोला की बीमारी का असली कारण तुम थे। तुम भोला के पास आ गए तो ये ठीक हो गया। भोला जानता है कि अब उसके साथ उसके आई पापा हैं। ये जानता है कि अब इसके पास इसके आई बाबा का प्यार है। वो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। सबूरी से सब संभव है काशी। पर पाता ने तो आपको भट्टी की तरफ, तो फिर आप वापस कैसे? मैं यहाँ आ ही रहा था, रास्ते में बाबा मिले। उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई मुझे। उन्होंने कहा मुझे सबकी जिंदगी से दूर चले जाना चाहिए। उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि उनका कहना गलत नहीं है। मन तो बना लिया था सबको छोड़ के चले जाने का, लेकिन तुम्हें और भोला को छोड़ के जाने की हिम्मत नहीं हुई। वो हिम्मत खुद में लाने के लिए मैंने सोचा शराब का सहारा ले ही लेता हूं। एक सिक्का भी था मेरे पास और मैं भट्टी की ओर बढ़ने लगा। क्या हो रहा है मेरे साथ? वहम था शायद। मेरा भविष्य दिखाकर मेरा वर्तमान सुधार दिया। जिस पैसे से मैं शराब पीने चला था उसी से मैं अपने भोला के लिए दूध खरीद लाया। रेनु, काशीनाथ ने लड़ाई जीत ली है, अब इसकी लत तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। मुझे माफ कर दो रेनू, मैंने पति का फर्ज आज तक नहीं निभाया, फिर भी तुम मेरे साथ रही। काशीनाथ, जिंदगी बहुत लंबी होती है, जो आज तक नहीं कर पाए उसकी भरपाई करने के कई अवसर तुम्हें भविष्य में मिलेंगे। इनका
ठीक होकर घर वापस आना। मुझे तो ये चमत्कार ही लग रहा है। रेनू, जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार है प्यार। प्यार से कुछ भी संभव है, ये हमेशा याद रखना। तभी भविष्य में सभी परेशानियों से उभर पाओगे। काशीनाथ, ये तो कुलकर्णी सरकार की आवाज है। तात्या, मेरा एक काम करोगे? जरूर साईं। जी सरकार। हरिओम हरिओम। यो फकीर, छुड़ा दे इसकी लत। हाँ सरकार, मैं अभी कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। जो आपसे कर्जा लिया है वो दिन रात मेहनत करके चुका दूंगा। बहुत बढ़िया है। सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। शराबी की लत कभी छूटी है काशीनाथ? केवल असंभव। आज नहीं तो कल तू शराब की लत में डूब जाएगा। और जहां तक मेरे पैसों की बात है, वो तो मैं आज ही वसूल के रहूंगा। सरकार, मुझ पर दया कीजिए सरकार। आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से काम पर नहीं गया हूं मैं। मेरे पास आपको देने के लिए आज कुछ भी नहीं है, पर दे दूंगा। बस मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। एक दिन भी नहीं। अभी के अभी, नहीं तो तेरा ये घर मैं जब्त कर लूंगा। साई, अब मैं क्या करूं? अब जब मैं सुधर चुका हूं तो मेरे परिवार के सर से छत छीनी जा रही है। काशीनाथ, इस फकीर के शरण में गया था ना तू? इसकी बात मानकर तू काम पे नहीं गया, अब भुगत। सरकार, ये साफ समझ आ रहा है, आप ये सब सिर्फ साई को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। आपकी नाराजगी इसी बात से है ना कि इसकी लत आपकी औषधि से नहीं, साई की मदद से छूटी है? नहीं भाई साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो काशीनाथ का अपने परिवार के प्रति प्यार था।
इन्हें खोने का डर था। जिसने इसे ठीक किया है कुछ ठीक नहीं हुआ है। ये फकीर हम सबको मूर्ख बना रहा है कि काशीनाथ की शराब की लत छूट गई है। ए, तू दुनिया को मूर्ख बना सकता है लेकिन मुझे नहीं। मैं जानता हूं ये फिर से शराब पीने लगेगा और पैसे नहीं है इसके पास। मेरा तो अंदेशा है कि शराब के लिए ये अपना घर भी बेच देगा। और इसने अगर अपना घर बेच दिया तो मेरे तो पैसे डूब गए। मैं कुछ नहीं जानता इसलिए आज ही मैं अपने पैसे वसूल के रहूंगा। चल मेरे पैसे दे नहीं तो इस घर के बाहर निकल। और याद रख इस फकीर के कारण तू खुले आसमान के नीचे आ जाएगा। परेशान मत हो काशीनाथ, मैं अभी जाकर तात्या के बाबा से बात करती हूँ। आज शाम तक हम पैसे इकट्ठा करके आपको लौटा देंगे। बाइजाक का शायद आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा। मुझे पैसे अभी के अभी चाहिए। क्या मुझे देने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं काशीनाथ? मुझे पता था। काशी के सर से छत छीनकर मैं गांव वालों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि जब भी कोई मेरे कट्टर शत्रु फकीर पर आंख बंद करके भरोसा करता है तो उसके साथ मैं क्या करता हूँ। देख क्या रहे हो, निकाल फेंको इसके घर से सारा सामान। जी सरकार, चलो जाओ। नहीं सरकार। प्रणाम साईं। साईं, आपने मुझे याद किया। हाँ जोशी जी, बेटे की शादी से पहले अपने पुश्तैनी घर की मरम्मत करानी है ना आपको। हाँ साईं, पर आपको कैसे पता? मैंने तो आपको नहीं बताया, वो तो मेरे मन में ही था। घर की अंदरूनी हालत बहुत बुरी है साईं। घर की मरम्मत और नए कमरे बनाने के लिए एक अच्छे कारीगर की तलाश है मुझे, पर कोई ढंग का कारीगर मिल ही नहीं रहा है। जोशी जी, यूं समझिए आपकी तलाश पूरी हो गई। आपने काशीनाथ का हुनर देखा है, आप वो काम इसे क्यों नहीं दे देते?
इसे एक मौका दीजिए, मैं आपको आश्वस्त करता हूं आप निराश नहीं होंगे। साईं, मुझे क्यों नहीं ख्याल आया, जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा था काशीनाथ के हुनर को, उसकी कारीगरी को। और जब आप कह रहे हैं साईं, तो शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। काशीनाथ, क्या तुम मेरे घर के मरम्मत का काम करोगे? शुक्रिया जोशी जी, मुझ पर भरोसा करने के लिए, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। इससे पहले मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी कभी नहीं दी गई, लेकिन मैं कड़ी मेहनत कर सकता हूं। एक बात और, कुछ दिन पहले तक मुझे शराब की बुरी लत थी, जो साई के आशीर्वाद से छूट गई। अगर आप मेरे अनुभवहीनता या मेरे अतीत के कारण किसी और को काम पर रखना चाहते हो, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप मुझे मौका देते हैं, तो मैं वादा करता हूं आपसे, जी जान झोंक दूंगा। काम की गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करूंगा। काशीनाथ, कुछ देर पहले साई के कहने पर मैं तुम्हें काम दे रहा था, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी देख के मुझे यकीन हो गया कि ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। शुक्रिया जोशी जी। अगर तुम लोगों की नौटंकी पूरी हो गई हो तो चलो यहां से, अपना अपना रास्ता ना को चलो। और काशीनाथ, चल अब मेरा हिसाब पूरा कर। तूने मेरा ऋण नहीं चुकाया है, इसलिए अब तेरा घर मेरा। चल इस घर से बाहर निकल, चल। ऋण? हाँ हाँ, इसने मुझसे ऋण लिया है पूरे 200 रुपए, इसलिए इसके घर को मैं अपने अधिकार में ले रहा हूं जोशी जी। मेरे रहते ऐसा नहीं होगा, होगा तो गलत होगा। जो इंसान मेरा घर बनाएगा, मैं उसे बेघर नहीं होने दूंगा। काशीनाथ, ये लो, ये पूरे 250 रुपए हैं। लो, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, ये पेशगी है तुम्हारे काम की। इन पैसों से अपना कर्ज चुका दो
बाकी के पैसे से घर चलाना, ठंडे नौमी तक सारी व्यवस्था करके रखो। मैं चाहता हूँ उसी दिन पूजा के बाद घर के काम का भी शुभारंभ हो। शुक्रिया जोशी जी। ये लीजिए सरकार। अच्छा साईं, अब आज्ञा दीजिए मुझे। राम जी भला करे। ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। आपने तो जैसे जादू की छड़ी घुमा दी, सब ठीक हो गया। जादू की छड़ी मैंने नहीं, तुमने घुमाई है काशी, अपने हुनर, अपनी ईमानदारी और अपनी सच्चाई से। मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। भाई साहब काकी, एक और चीज हो जाए तो सच में सब ठीक हो जाएगा। दूसरे गांव से वैद्य को अब तक आ जाना चाहिए था, और ज्यादा देर हुई तो भोला की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। भोला ठीक हो गया बाबा, और मैं भी। शराब छोड़ दिए मैंने, पर आप जानते हो मुझे एक नया काम मिला है, अब मैं नालायक नहीं रहा। नई शुरुआत कर रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको वैसा ही बेटा बनके दिखाऊंगा जैसा आप हमेशा से चाहते थे। ये तो हमेशा सुनते आए, लेकिन हमेशा परिवार की नाक कटी है। तुमने ठीक कहा मोरेश्वर, रत्ती भर का भी विश्वास नहीं है तुम पर किसी को भी। संकल्प लेने में और उसका निर्वाह करने में जितना अंतर होता है, उसको तुम आज तक मिटा ही नहीं पाए। तो चार दिन में शराब पीना फिर से शुरू हो जाएगा, जो काम मिला है वो भी छोड़ दोगे। यही किया है तुमने पहले भी, और यही इस बार भी होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा,
ये नहीं सुधरने वाला। नहीं बाबा, मैं सच में बदल गया हूँ। मैं आपको मुर्शिदाबाद जैसा लायक बन के दिखाऊंगा, मेरा यकीन कीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद की तुलना मोरेश्वर के साथ करने की? कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली? इसके परछाई के साथ भी खड़ा होने के लायक नहीं है तू। जितना मेरा मोरेश्वर होनहार है उतना ही तू नालायक। वो दिन है तो तू काली रात। बाबा मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं बदल गया हूं? ये क्या बदल गया लगा रखा है? काबिलियत और जिम्मेदारी का एहसास इंसान अपने साथ लेकर पैदा होता है, जो तुझमें कभी थी ही नहीं। इसीलिए बाबा तुझसे हमेशा नाराज रहते। बचपन से लेकर आज तक तूने हमेशा बाबा को निराश किया है और भविष्य में भी करता रहेगा, ये हम सब जानते हैं। देख, तुझे कुल का कलंक समझ के नियति मान ली है बाबा ने, इसलिए तुझे यहां से। अब अगर जिंदगी में कुछ सुधार कर सका, अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी उठा सका तो वही बहुत है। इस घर का नाम रोशन करने की अपेक्षा मत कर, क्योंकि वो तेरे बस में है नहीं। आ गया। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? कुछ तो बोलिए। मैं हार गया रेणु, अपने घर वालों से हार गया। साईं, आप जो बात बोल रहे हैं मैं उन बातों से बिल्कुल सहमत हूं। क्या मैं जाकर उन्हें सूचित कर दूं? नहीं मालसपति जी, उसकी जरूरत नहीं है। राम साईं। राम जी भला करे। साईं, जैसा आपने कहा था मैं तीनों को साथ लेकर आया। साईं, आपने हमें यहां क्यों बुलाया, वो भी इसके साथ? क्योंकि मेरा आप तीनों से कुछ काम है। इसी संदर्भ में मैं मालसापति जी से विचार विमर्श कर रहा था। बल्लाल जी, इस बार खंडे नवमी की पूजा में हम शिवलिंग पूजन भी करने वाले हैं। चूंकि पूजा का मान आपके घर का है, हम चाहते हैं कि शिवलिंग का निर्माण भी आपके दोनों बच्चों के शुभ हाथों से हो। दोनों? लेकिन क्यों साईं, पूजा तो मोरेश्वर के हाथों से ही होनी है, और वैसे भी पूजा के लिए तो एक ही शिवलिंग चाहिए ना, क्यों मालसापति जी? बल्लाल जी, आप अपने बेटों में फर्क कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर अपने भक्तों में फर्क कैसे करे?
इसलिए शिवलिंग बनाने का अवसर दोनों को मिलेगा और पूजा भी दोनों शिवलिंगों की होगी। ठीक है साईं। शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी ले जाइए। मन में साई के क्या है कौन जान पाए, ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई शुक्रिया साई। प्रणाम साई। राम जी भला करें। साई, एक बात मेरी भी समझ में नहीं आई, एक ही पूजा में दो दो शिवलिंग। सुनिए, खाना खा लीजिए, बाद में खाऊंगा, लेके जा। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लीजिए फिर बना लीजिएगा। बोला ना बाद में खाऊंगा, लेके जाओ अभी जाना। चलो बन गया। पूजा की तैयारियां हो चुकी हैं, मैं साई को जाकर बताता हूं। साई, पूजा की सारी तैयारियां हो गई। महासभापति जी, पहले शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए।
काशी, मुरेश्वर, जो शिवलिंग तुम दोनों ने बनाए हैं उन्हें लेकर यहां आओ। शिवलिंग पर से कपड़ा हटाओ। बहुत सुंदर है। अद्भुत, ऐसा शिवलिंग तो मैंने किसी भी मूर्तिकार के पास नहीं देखा। बहुत अच्छे काशीनाथ। साई, लेकिन मोरेश्वर ने जो शिवलिंग बनाया है वो तो खंडित है। तो फिर क्या इसे खंडित शिवलिंग की पूजा करना उचित होगा? आपका विचार सोचने योग्य है पाटिल जी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। दोनों भाइयों को एक समान मिट्टी दी थी, फिर शिवलिंग में इतना फर्क क्यों? आप तो हमेशा काशी का ही पक्ष लेते हैं। क्या हुआ, मेरा बनाया हुआ शिवलिंग उससे अच्छा नहीं बना तो? काशी को तो बचपन से ही इन सब चीजों का शौक रहा है, अभ्यास है उसको, तो तभी वो इस कदम में पारंगत है। साईं, जरूरी तो नहीं सब में सारे हुनर हो। मुरेश्वर, इस बहाने तुमने ये तो माना कि काशीनाथ में कोई हुनर है। और जिसमें कला हो वो नालायक नहीं हो सकता। इस सबसे एक और बात साबित हो गई, गीली मिट्टी तो दोनों के पास थी, जिसने बेहतर आकार दिया
उसका शिवलिंग बेहतर बना। इसका मतलब शिवलिंग अगर बिगड़ जाए तो दोष मिट्टी का नहीं, दोष गढ़ने वाले का है। साईं, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि काशी के विफलताओं के लिए मैं जिम्मेदार हूं? काशी बिल्कुल भिन्न था मोरेश्वर से, बिल्कुल अलग था। लेकिन दोनों में जो असमानताएं थी उनके कारण अब काशी को नालायक मान दिया है। आप चाहते थे कि काशीनाथ भी मोरेश्वर जैसा बने, वही करे जो मोरेश्वर करता था। लेकिन जरा ये तो बताइए कि सब एक ही कर्म करने लगे तो दूसरे कर्मों को कौन करेगा? कभी ये सोचा है कि अगर हम बादल से उम्मीद करने लग जाएं कि वो हमें सूरज की तरह रोशनी दे, गर्मी दे, तो क्या ये ठीक होगा? नहीं, ये तो बादल के अस्तित्व को ही मिटाने वाली बात हो गई। क्योंकि बादल तो बरसात देता है, रोशनी नहीं। इस सृष्टि में हर चीज का अपना महत्व है, अपनी उपयोगिता है। फिर भी आपने बिना सोचे समझे कह दिया कि अगर मोरेश्वर दिन है तो काशी काली रात। आप भूल गए कि इस संसार को चलते रहने के लिए रात भी उतनी ही जरूरी है जितना कि दिन। अगर रात ना हो तो पेड़ पौधे गर्मी में झुलस कर मर जाएंगे, जीव जंतु आराम नहीं कर पाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं, आपके दोनों बेटों की तरह। लेकिन आपने सिर्फ एक की अहमियत समझी और दूसरे के हुनर को नजरअंदाज करते गए। परिणाम, काशी का मनोबल कमजोर पड़ता चला गया और ये निराश होकर गलत रास्ते चल पड़ा। काशी से आपने अपने आप को ही नहीं, इसके भाई से भी दूर कर दिया। इन दोनों के बीच आपने सफलता और असफलता की, लायक और नालायकता की दीवार खड़ी कर दी। दोनों को बांट दिया आपने। साहिब, उसे बड़ी भूल हो गई। मैं हमेशा काशी को कहता था नालायक है, लेकिन नालायक तो मैं हूं।
अपने बच्चे की परवरिश करना नहीं है। मुझे माफ कर दी बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। और तेरे मन में तेरे भाई के लिए जहर घोला, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूं। तुम दोनों के पिता कहलाने के लायक नहीं। लाल जी, अब तक आप काशी को दोष देते आ रहे थे, अब खुद को दे रहे हैं। खामियों को ढूंढने की ये आदत ही आपके दुखों का कारण है। इसी वजह से आप अपने बेटे बहू पोते के बगैर रहे इतने साल। काशी से कुछ सीखिए बल्लाल जी। जिस तरह इसने अपने बेटे के लिए नशे की आदत छोड़ दी, उसी तरह आप भी अपने बेटे के लिए ये दोष ढूंढने की आदत छोड़ दीजिए। माफ कर दे भाई। पूजा शुरू करनी चाहिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। जाइए दादा, शिवलिंग मैंने बना दिया है, पूजा आप कर लीजिए। बाबा, मैं चाहता हूं कि आज की पूजा हमारा काशीनाथ करे। हाँ मुरेश्वर, मैं भी यही सोच रहा था। हाँ काशीनाथ, मुरेश्वर ठीक कह रहा है। इस बार खंडनवमी की पूजा का अधिकारी तुम्हारे सिवा और कोई नहीं हो सकता। जाओ बेटा जाओ। साई, आपने मुझे मेरे परिवार से मिला दिया।
धन्यवाद साई। मालिक की मर्जी है काशी, अब जाओ और अपना दायित्व पूरा करो। जाओ। प्रगति की अंधाधुंध दौड़ में इंसान प्रकृति से दूर होता जा रहा है, क्योंकि उसे प्रकृति से ज्यादा विश्वास खुद पे होने लगा है। वो भूलता जा रहा है कि प्रकृति ने हमें हर बीमारी से लड़ने की क्षमता दी है। जड़ी बूटियां जो प्राणों का रक्षण करती है, सब प्रकृति से ही तो उत्पन्न होती है। और वो रंगोली जो बायजामा बना रही है, उसमें इस्तेमाल हो रहे रंग बिरंगी फूल और रंग भी हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। वैसे भाईजामा, आज ये रंगोली क्यों बना रही हो? खास वजह है। 20 साल पहले हमारा खुद का घर बना था आज ही के दिन। फिर तो ये रंगोली अपने घर के आंगन में बनानी चाहिए थी, यहाँ क्यों? सब पता होता है तुम्हें, तो फिर क्यों अपने माँ से सवाल करके उसे सताते हो? अपने घर के आंगन में रंगोली बना ली, फिर सोचा अपने बेटे के घर के आंगन में भी रंगोली बना दूं, इसलिए रंगोली बना रही हूं यहाँ। बताओ कैसी बनी है रंगोली? माँ के हाथ की हर चीज अच्छी ही होती है भाई साहब। कहने को तो तू मेरा बेटा है, लेकिन कर्मों से हमारा पालनहार। बस हम पर हमेशा अपनी ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारे घर को खुशहाल रखना। मेरी कृपा दृष्टि में ही भाई सामान, आपके घर की खुशियों का श्रेय घर के सभी सदस्यों को जाता है। इस रंगोली को देखो भाईजामा, परिवार इसी की तरह होता है, सभी सदस्यों से आबाद इन रंगों की तरह। जब तक रंग अपने दायरे में रहकर एक दूसरे का साथ देते हैं,
तब तक रंगोली की शोभा बढ़ाते हैं। परिवार के सदस्य भी जब तक एक दूसरे के वजूद का आदर करके अपनी अपनी सीमा में रहते हैं, परिवार फलता है, समृद्ध होता है, घर में बरकत आती है, खुशियां आती हैं। लेकिन जिस दिन इन रंगों ने या परिवार के लोगों ने अलग होने की ठान ली या अपने अपने दायरे से बाहर आने लगे, तब रंगोली हो या घर, उसकी सुंदरता बिखर जाती है। साईं, तुम किसी संकट की ओर इशारा तो नहीं कर रहे हो? भाई सामा, अगर आपका घर रंगोली है तो आप उस रंगोली को सीमा में बांध कर रखने वाली सीमा रेखा हो। आपको तो चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं एक बात जानती हूं, तुम बिना कारण ना कुछ कहते हो ना करते हो। साई, अगर तुम्हें कुछ पता है तो मुझसे मत छुपाओ। वो परिवार खुशकिस्मत है जहां लोग मिलकर साथ रहते हैं, जैसे आपका परिवार। लेकिन हर कोई खुशकिस्मत नहीं होता है भाईजामा। कई ऐसे घर भी होते हैं जहां छोटी सी गलतफहमी घर को तिनके तिनके में बिखेर देती है। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। गोदावरी, क्या हुआ गोदावरी? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? आओ, बहुत बुरा सपना देखा मैंने। मैं गंगाधर जी के यहाँ होकर आता हूँ, उनकी पत्नी को गोदी देनी है। साई, आप तो रोज उनके घर जाते हैं, मतलब अगर सिर्फ गोदी देनी है तो मैं जाकर दे आता हूँ। लाइए, मुझे दीजिए। नहीं तात्या, जिम्मेदारी मैंने ली है, निभानी भी मुझे को पड़ेगी। गंगाधर जी को जबान दी है मैंने, जब तक उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं होती मैं हर रोज उनके घर जाकर उदी दिया करूंगा। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। आनंदी, आठ। मेरे लिए खाने में क्या बना रही हो? थाली पीठ कैसा रहेगा?
रोज नई फरमाइश, रोज अच्छा खाना, बहुत काम है मुझे। अच्छा बना देती हूँ शाम को, दो ही हाथ है मेरे। अपने ताई के दो हाथों को भूल गई क्या? और देवर जी आप, आपको जो खाना हो मुझसे कहिए। आपकी शादी के पहले मैं ही तो बना के खिलाया करती थी ना आपको। बना दूंगी आपकी मनपसंद चीजों को मैं। और वैसे भी अब आनंदी को ढेरों काम रहते हैं। धन्यवाद वहिनी। बड़े आए धन्यवाद देने वाले। पता है आनंदी, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तब ये बहुत छोटे थे, तब जिद किया करते थे, पैनी आज ये बनाइए वो खिलाइए, और आज बड़े हो गए हैं तो धन्यवाद कह रहे हैं। आपकी कसरत हो जाए तो हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए थाली पीठ बना देती हूँ। ठीक है वहीनी। बेचारी गोदावरी कब से बीमार पड़ी है, साई की उदी से भी इतना वक्त लग रहा है। साई बता रहे थे कि अगर मर्ज पुराना हो तो उसे ठीक होने में समय लगता है। पता नहीं ईश्वर कैसे परीक्षा ले रहा है उनके परिवार की। गोदावरी और जोशी जी के दोनों बेटे, बहुएं, पोते बड़े प्यार से एक साथ रहते हैं। इस उम्र में गोदावरी और जोशी जी को उनके प्रेम का सुख भोगना था, पर गोदावरी बीमार हैं और जोशी जी इसी चिंता में डूबे रहते हैं। चिंता मत कीजिए आई, सब ठीक हो जाएगा। भगवान की दया से उनके घर के सभी लोग बड़े अच्छे हैं, एक दूसरे से प्रेम करने वाले, एक दूसरे की मदद और समर्थन करने वाले हैं। ज़्यादा मत खाना वरना शाम की तरह गोलू हो जाएगा। काकी आप हमेशा मुझे टोकती हो। गोपी शाम की देखा देखी तू मुझे आई कहता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन कितनी बार कहा है आनंदी को काकी मत कहा कर। तेरी असली माँ तो यही है ना, उसे आई कहा कर। ताई आप गोपी के लिए माँ से भी बढ़कर है, मेरे से ज्यादा देखभाल आप ही तो करती हैं उसकी। कोई नहीं, आई जाग गई क्या? साई उदी लेकर आते ही होंगे। सासूबाई चक तो गई है पर आज कुछ पहले से ज्यादा ही बेचैन लग रही है। वो सोचती है कि हम उनको लेकर चिंतित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, इसलिए अपनी परेशानियां हमें नहीं बोलेंगी। लेकिन देख के तो पता चलता है कि या तो उनकी तबीयत और बिगड़ रही है या तो फिर कोई और ही चिंता है जो उन्हें सता रही है।